वेलकम यू ऑल इन द बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेज. इन चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू DBMS एंड डेटाबेस द नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा टाइप्स. द डेटा टाइप ऑफ द फील्ड डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट कैन स्टोर. अपन ये कहते हैं कि डेटा टाइप फील्ड है, ये डिटरमाइन करता है कि किस प्रकार का डेटा आप उस फील्ड में स्टोर करोगे. जैसे अगर अपन डेटा इंसर्ट करते हैं तो अलग अलग टाइप का करते हैं. कैरेक्टर डेटा भी होता है, न्यूमेरिक डेटा भी होता है, डेट एंड टाइम भी होता है. इसके अलावा अपन कहते हैं कि कोई फाइल भी हो सकती है, कोई लिंक भी हो सकता है. तो कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि डेटा टाइप है वो ये डिटरमाइन करता है कि किस प्रकार का डेटा आप फील्ड में इंसर्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ए फील्ड विथ द डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट. अगर आप किसी भी फील्ड का डेटा टाइप अगर आपका शॉर्ट टेक्स्ट है, इट मीन्स इट कैन स्टोर ओनली द अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज. इट मीन्स आप इसमें क्या होगा, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर होगी. तो अपन बात करते हैं कि MS Access में कौन कौन से डेटा टाइप है वो प्रोवाइड होते हैं. इसमें फर्स्ट आता है शॉर्ट टेक्स्ट. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इट इज यूज टू स्टोर टेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स, एंड नंबर्स सच एज फोन नंबर्स एंड पोस्टल कोड. इट कैन स्टोर मैक्सिमम ऑफ 255 कैरेक्टर. इट मीन्स कि शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर आप टेक्स्ट स्टोर कर सकते हो, नंबर कर सकते हो, या दोनों को साथ में कर सकते हो, या फिर फोन नंबर कर सकते हो, या फिर कोई पोस्टल कोड भी इंसर्ट कर सकते हो. इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर आप कितने इंसर्ट कर सकते हो, 255. नेक्स्ट इज लॉन्ग टेक्स्ट. इट इज यूज टू स्टोर लॉन्ग सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स. इसमें आप लॉन्ग सेंटेंस और पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हो. इट कैन स्टोर ए मैक्सिमम ऑफ 65,535 कैरेक्टर्स. इट मीन्स अपन ये कहते हैं कि टेक्स्ट के अंदर पहली बात तो आप नंबर और अल्फाबेट दोनों इंसर्ट कर सकते हो, और अगर बात करें लॉन्ग टेक्स्ट की तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर 65,535 कैरेक्टर आप इंसर्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज नंबर डेटा टाइप. इट इज यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू. इट कैन बी स्टोर डेसिमल वैल्यू एंड इट कैन स्टोर मैक्सिमम ऑफ 16 बाइट्स लॉन्ग डेटा. इसमें आप 16 बाइट लॉन्ग डेटा है वो क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे अपन ये देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे अगर अपन नंबर की ओर बढ़ते हैं तो इसमें जो आपका नंबर ऑफ डिजिट है वो ज़्यादा इंसर्ट हो रहा है. नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है डेट एंड टाइम. इट इज़ यूज टू स्टोर डेट एंड टाइम वैल्यू. मतलब आप डेट और टाइम वैल्यू स्टोर कर सकते हो. इट अलाउ यू टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम इन वेरियस फॉर्मेट. आप अलग अलग फॉर्मेट में भी डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हो. सपोज दैट आपका फॉर्मेट मंथ डे और ईयर भी हो सकता है, डे मंथ ईयर भी हो सकता है. साथ ही साथ उसमें आप डे नेम भी दे सकते हो. नेक्स्ट आपका आता है, वो होता है करेंसी फॉर्मेट. इट इज़ यूज टू स्टोर मॉनेटरी डेटा अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. इसमें 4 डेसिमल प्लेस के साथ आप क्या कर सकते हो, कोई करेंसी इंसर्ट कर सकते हो. इट कैन स्टोर अप टू 8 बाइट्स ऑफ डेटा. इसमें आप 8 बाइट्स डेटा इंसर्ट कर सकते हो. नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है ऑटो नंबर. इट इज़ यूज टू जनरेट ए यूनिक सिक्वेंटल वैल्यू फॉर ईच न्यू रिकॉर्ड एडेड टू द टेबल. इट मीन्स कि ऑटो नंबर में आप एक वैल्यू है वो इंसर्ट कर सकते हो वन बाई वन. मतलब सिक्वेंशियल वैल्यू आपकी आनी चाहिए. अपन ये कहते हैं कि ऑटो नंबर है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट करता है, जैसे 1, 2, 3, 4, तो ये अपने आप इंसर्ट कर लेगा और इसमें वैल्यू रिपीट नहीं होगी, ये एक सीक्वेंस के अंदर चलेगी. इसको अपन प्राइमरी की भी बना सकते हैं. मैं आगे बात करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी की. नेक्स्ट इज यस और नो. दिस प्रॉपर्टी कैन हैव ओनली 2 वैल्यू, ट्रू और फॉल्स. इसमें ओनली 2 वैल्यू होती है, आइदर ट्रू और फॉल्स. यू कैन चूज टू डिस्प्ले द वैल्यू एज यस और नो. इसमें आप वैल्यू को चूज भी कर सकते हो, या तो आप उसमें यस करोगे या फिर नो करोगे. नेक्स्ट इज ओएलई कॉन्सेप्ट या ओएलई ऑब्जेक्ट. ओएलई स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग.
It is used to insert another file in MS Access. अपन ये कहते हैं it is used to store pictures, graphs or other objects such as MS Word document or MS Excel worksheet. It means आप दूसरी फाइल को किसी और फाइल को MS Access के अंदर इंसर्ट भी कर सकते हो. Next is hyperlink. It is mostly used for email address, but we can use also for website address or network location. Next is attachment. It is used to attach a file to a record. आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी फाइल को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अटैच कर सकते हो. यहाँ पे अपन फोटो भी डाल सकते हैं. Next is calculated. It is used to store the result of a calculation that use data from other field. आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी calculation के result को भी insert कर सकते हो जो किसी दूसरी field से आता हो. तो ये अपने data type and their usage. Next is setting data type for a field. कि अपन कैसे data type है किसी field का set करेंगे. तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले MS Access स्टार्ट करते हैं. तो क्लिक ऑन विंडो प्लस R एंड राइट MS Access, क्लिक ऑन इंटर. नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं अपने सामने एक टेबल ओपन है और इस टेबल के अंदर अपन क्या करेंगे, जो भी फील्ड है उनके डेटा टाइप को सेट करेंगे. तो आपके सामने ये टेबल आती है. अब किसी पर्टिकुलर फील्ड के डेटा टाइप को चेंज करना होता है तो अपन कैसे चेंज करते हैं, क्लिक ऑन डिजायर्ड फील्ड हेडर. आप सबसे पहले क्या करोगे, फील्ड हेडर पर क्लिक करोगे जिस किसी भी फील्ड का आपको डेटा टाइप चेंज करना हो. इन द फॉर्मेटिंग ग्रुप ऑफ द फील्ड टैब, आप फील्ड टैब के फॉर्मेटिंग ग्रुप में जाओगे, क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द डेटा टाइप फील्ड. आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे एंड चूज द डिजायर्ड डेटा टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. आप डिजायर्ड डेटा टाइप है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे. तो देखते हैं अपन कैसे. यहां पर अपन देख पा रहे हैं कि आपके सामने नेम फील्ड है, आईडी फील्ड है, कॉन्टेक्ट है, ईमेल है, यहां पे अटैचमेंट है. सपोज दैट नेम पे आते हैं और अपन को इसका डेटा टाइप चेंज करना है तो आप क्या करोगे, फील्ड टैब पे क्लिक करोगे, यहां पे आपका मिलेगा डेटा टाइप. ये फॉर्मेटिंग ग्रुप है, इसके अंदर आपका डेटा टाइप ऑप्शन मिलता है. यहाँ पे अपन ड्रॉप डाउन एरो में पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट की जगह मैं कर देता हूँ लॉन्ग टेक्स्ट. तो अभी आप देख पाएंगे कि जो डेटा टाइप है पर्टिकुलर नेम फील्ड का वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टेक्स्ट हो जाएगा. तो ये है कि हाउ टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड. नेक्स्ट इज प्राइमरी की. ए प्राइमरी की इज ए फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स That uniquely identify a row. अपन ये कहते हैं कि प्राइमरी की एक फील्ड है या सेट ऑफ फील्ड है जिसका यूज अपन किस लिए करते हैं, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं या फिर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं. अपन कभी भी कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर कॉलम ऐसा होता है जिसमें वैल्यू रिपीट नहीं होती है और जिसमें वैल्यू नल नहीं होती है. नल मीन्स वैल्यू, लैक ऑफ वैल्यू नहीं होती है. या अपन कहते हैं कि वो जो सेल है वो या कॉलम है वो क्या नहीं होता, ब्लैंक नहीं होता. तो ऐसी कोई भी फील्ड अपन बनाते हैं जिससे अपन डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं. अगर अपन क्लास, अगर कोई टेबल है तो उसमें डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अपन रोल नंबर भी बना सकते हैं या अपन एनरोलमेंट नंबर भी बना सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी की अपन उसी फील्ड को बनाते हैं जिससे कि अपन डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें. नेक्स्ट इज है सेटिंग ए प्राइमरी की. प्राइमरी की को सेट कैसे करते हैं, तो इन डिजाइन व्यू में जाते हैं अपन, क्लिक ऑन द फील्ड दैट यू वांट टू सेट ए प्राइमरी की. आप उसी फील्ड पे जाओगे, उस पर क्लिक करोगे जिस पे आपको प्राइमरी की सेट करना है. द सेलेक्टेड फील्ड गेट हाईलाइटेड, वो आपकी फील्ड क्या हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी. क्लिक ऑन द प्राइमरी की कमांड इन द टूल्स ग्रुप. उसके बाद आप क्या करोगे, प्राइमरी कमांड पे क्लिक करोगे जो टूल्स ग्रुप में मिलेगा एंड सेव द चेंज टर्न इन द टेबल. और उसके बाद में आप क्या करोगे, सेव करोगे. लेट्स सी द प्रैक्टिकल. सबसे पहले इसका अपन डिजाइन व्यू ओपन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डिजाइन व्यू पे क्लिक करते हैं.
या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से आपका व्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप डिजाइन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर अपन बात करते हैं पर्टिकुलर, जैसे आप देख पा रहे हैं अगर कर्सर के पास देखोगे आप तो आपको यहाँ पर एक की का साइन मिलेगा आईडी के जस्ट पहले। ये अभी बाय डिफॉल्ट एक प्राइमरी की है, अगर मेरे को जिस किसी को भी प्राइमरी की बनाना है तो मैं उसी फील्ड पे क्लिक करूँगा, ये हाईलाइटेड है, देन क्लिक ऑन प्राइमरी की इन टूल्स ग्रुप। आप प्राइमरी की पे क्लिक करोगे जो टूल्स ग्रुप में मिलेगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो अभी नेम क्या बन गया आपका, प्राइमरी की बन गया है। तो ये अपना कि हाउ टू मेक ए प्राइमरी की।